वीडियो 3C चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम इस वीडियो 3C में चैप्टर 3 का बेसिक करेंगे। तो बेसिक में है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मल्टीपल्स। तो इससे पहले हम थोड़ा सा मल्टीपल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल्स बताया था, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेंड वाई मल्टीप्लाइंग इट वाई नेचुरल नंबर। जैसे 20 है तो 20 के को हम इस तरह कर सकते हैं 4 × 5। तो 20 क्या है, मल्टीपल है, और 4 और 5 क्या है, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हम और ले सकते हैं इस तरह से, जैसे 10 है तो 10 को हम 2 × 5 कर सकते हैं। तो 10 जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल है, इसे मल्टीपल बोलेंगे हम, और इसको फैक्टर बोलेंगे, ये फैक्टर है। ठीक, एग्जांपल्स ये है, एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर दैन या इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, अब जैसे 5 है तो 5 के फैक्टर्स मल्टीपल्स कितने होंगे, 5, 10, 15, 20। तो इन सब के बारे में अगेन रिवाइज करेंगे आज हम। तो देखते हैं एक बार इसको। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनके बारे में स्टडी करेंगे। एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर दैन या इक्वल टू दैट नंबर। जैसे 5 मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, एक तो 5 होगा, 10 होगा, 15, 20, 25 इस तरह से, एंड सो ऑन। ठीक, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मीन्स है, सिंपल सा है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स इन्फिनाइट होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे 5 के मल्टीपल हैं तो 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये कभी एंड, इनका एंड नहीं होगा। ठीक, फिर एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। अब जैसे 5 तो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 का मल्टीपल होता है। अब जैसे हम और एग्जांपल की बात करें तो ये है एग्जांपल, 10 के मल्टीपल्स की बात करें तो 10 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, एक तो 10 होगा, 10, 20, 30, 40। तो 10 तो आना ही आना है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ इट सेल्फ मल्टीपल होता है। ये सिंपल है। उसके बाद ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया है, राइट फर्स्ट 5 × 6। इस तरह से ये क्वेश्चंस ये हो गया, ये क्वेश्चन और रहे होमवर्क में, ये क्वेश्चन करना है, राइट फर्स्ट 7 ऑफ 6 5 कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो एक और, राइट फर्स्ट 10 × 15। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं। बाकी ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, उनको समझना, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में बस एक बात बोलता हूँ कि पहले वीडियोस को देखना है, समझना है, उसके बाद नोट करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, बाय।